नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटीरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बाबा का ढाबा। बाबा का ढाबा वीडियो वायरल हुआ था पिछले कुछ महीनों से, और दिल्ली के मालवीय नगर में रहने वाले कामता प्रसाद, जो कि एक पेशे से ढाबा चलाते हैं, उनकी एक यूट्यूबर गौरव वासन ने मदद की थी और इनका वीडियो बना करके उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया था अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्वाद ऑफिशियल के माध्यम से, जिसके बाद से कांता प्रसाद की ज़िंदगी बदल गई। लेकिन क्या कुछ हुआ कांता प्रसाद और गौरव वासन के बीच में कि कांता प्रसाद को FIR करना पड़ गया गौरव वासन के ऊपर? क्या कुछ मामला है और क्यों यह एक बार फिर से बाबा का ढाबा सुर्खियों में है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से रोज कानून की जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो बाबा का ढाबा एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पे। लेकिन इस बार बाबा के ढाबे पे न तो भीड़ है और न ही किसी डोनेशन देने वालों की लाइन है, या फिर लोग खाना खाने के लिए वहाँ पे नहीं पहुँच रहे हैं, न ही कोई सेल्फी खिंचवा रहा है और न ही कोई सेलिब्रेशंस हो रहे हैं। इस बार न्यूज़ चैनल्स और इस बार यूट्यूबर्स पहुंच रहे हैं उनके पास सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इन दिनों गौरव वासन और बाबा यानी कि कामता प्रसाद के बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ जिससे नाराज होकर के कामता प्रसाद ने यूट्यूबर गौरव वासन के ऊपर FIR दर्ज करवा दी। तो मामला क्या है, आइए जानते हैं। बाबा का ढाबा चलाने वाले कामता प्रसाद का यह कहना है कि यूट्यूबर गौरव वासन ने उनके कंधे पर रख करके बंदूक चलाई है और जितने भी डोनेशन से पैसे मिले हैं उनको गबन कर लिया है। कहने का मतलब है कि पैसे की हेर फेर यूट्यूबर गौरव वासन ने किया है, जिससे खासा नाराज होकर के कांता प्रसाद ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में गौरव वासन के खिलाफ शिकायत की है। क्या है मामला, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो पहले दिन की कमाई थी कांता प्रसाद को, वह 75,000 रुपये थे। पूरा उनको टोटल 75,000 रुपये उनको उस दिन मिला था। कोई एक प्लेट कुछ भी खाए 500 रुपये देता, कोई 1,000 देता, कोई 2,000 देता। इस प्रकार से उनको 75,000 रुपये की कमाई एक दिन में हुई थी। फिर उस 75,000 रुपये को लेकर के गौरव वासन और उनके एक साथी और कामता प्रसाद, ये तीनों लोग बैंक जाते हैं और बैंक में 75,000 रुपये डिपोजिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे कामता प्रसाद का ये कहना है कि उस 75,000 रुपये के डिपॉजिट पैसे का रसीद उन्हें नहीं मिला है। तो यहाँ पे कामता प्रसाद सीधे आरोप लगाया है गौरव वासन के ऊपर कि उन्होंने उस 75,000 रुपये को अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया है। साथ ही साथ कामता प्रसाद ने यह भी शिकायत की है कि जिन्होंने भी फ़ोन करके या फिर मदद करने के लिए अकाउंट्स मांगे थे कामता प्रसाद के, कामता प्रसाद का अकाउंट नंबर न दे करके गौरव वासन ने अपना अकाउंट नंबर अपनी वाइफ का और अपने भाई का सबको दिया, जिससे गौरव वासन को तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए डोनेशन प्राप्त हुए। और कामता प्रसाद का ये कहना है कि गौरव वासन ने उस 25 लाख रुपए को मुझे नहीं दिया। तो इन सारी बातों से नाराज होते हुए कामता प्रसाद ने मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में गौरव वासन के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। अब देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होती है गौरव वासन के ऊपर और क्या कुछ सच्चाई निकल के आती है। तो अगली अपडेट के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधि टीडिया को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।